हेलो जी नमस्ते, फिर कैसे आप सब लोग। सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों कल हम गए थे गांव और वहां से ले आए थे ढेर सारे हरे वाले चने, हमने खेतों में लगा रखे हैं। तो ये बढ़िया से देखिए तैयार हो गया है। तो चलिए आज मैं इसकी ना बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बना रही हूँ चावल के साथ खाने के लिए। मुझे ना इसका निमोना बनाना है और वो चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने आग जला ली है और चलिए पहले तो चावल ही बना लेते हैं। चावल रख दे रहे हैं पकने के लिए, तो जब तक चावल पकेगा तब तक हम सब्जी के लिए बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। जी हमने चावल रख दिए हैं यहाँ पर, जब तक चावल पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो चने हमने छील लिए हैं, ये लहसुन है तो ये हरे वाले लहसुन है, अब तैयार हो गया है लगभग, लेकिन अभी इसे और थोड़ा पकना बाकी है। तो हमारे घर में अब ताजे वाले लहसुन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो तड़का के लिए यहाँ पे हम देखिए प्याज काट लेते हैं, तो थोड़े से हमने बचा लिए हैं और साथ में हम तड़का काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सारी सब्जियाँ धो के तैयार कर लिए हैं। तो ये चना है, इसमें से आधे चने मैं बचा लूँगी और आधे चने को हम पीस लेंगे। आधे चने से ज़्यादा ही हम पीस लेंगे, थोड़े से चने हम साबुत बचा लेंगे। तो सब्जी में एक एक जब साबुत चने रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो टेस्टी होता ही है, थोड़ा देखने में भी बढ़िया लगता है। और इधर हमने लहसुन मिर्च और अदरक है इसे पीस लेंगे, ये हरा लहसुन है और हरी धनिया इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे और टमाटर को भी महीन पीस लेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को पीस कर ले आते हैं। तो लीजिए हमने सारी चीज़ें पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो लीजिए हमने सारी चीज़ें पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो ये डालते हैं हम कढ़ाई में तेल, हम बना रहे हैं निमोना तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही रखेंगे। तो तेल हो गया गरम, तब इसमें जाएगा एक चम्मच जीरा, एक दो तेज़पत्ता, थोड़ा सा हींग, अब जाएगा इसमें प्याज। तो ये हमने डाल दिए प्याज, भून लेते हैं। देखिए एक चना भी चला गया, तो इसको तो हमें बाद में भूनना है, फिर भूनना है प्याज। इसको ज़्यादा जल्दी है चने को भूनने की, लेकिन मैं बाद में भूनूंगी। तो देखिए प्याज को हम थोड़ा सा भूने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो साथ में डाल देते हैं आलू, आलू को भूनेंगे तो आलू के साथ प्याज भी बढ़िया से भुना जाएगा। चलिए साथ में भूनते हैं आलू में, जब तक थोड़ी लाल लाल चिपकी ना पड़ जाए तो आलू को हम भूनेंगे। इससे क्या होगा ना कि आलू में स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए आलू और प्याज देखिए कितना बढ़िया था भून गया है, अदरक लहसुन और मिर्च पीस लिए थे ये डाल देते हैं, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाएगा, इसके साथ हम भून लेते हैं। ये थोड़े से हमने जो साबुत चने बचा लिए थे ये डालते हैं, थोड़ा सा इसको भूनते हैं, थोड़ा सा इसे हम भूनते हैं ताकि जो साबुत चना है वो थोड़ा सा पक जाए। हम मसाला भिंगो लेते हैं, तो ये लिए हम एक चम्मच देखिए हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया गरम मसाला पाउडर, पानी डाल देते हैं। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, निमोना बना रहे हैं तो कोई भी लाल मिर्च नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हमारी सब्ज़ी में और टेस्ट आए उसके लिए हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें मीट मसाला। मैं पूरा एक पैकेट नहीं डाली हूँ, आधा पैकेट ही डालेंगे, थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ। चलिए इसको रख देते हैं तब तक ये फूलेगा। तो देखिए सब्जी थोड़ा भून लिए हैं, तो अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीसे हुए चने थे, डाल के चलाते हुए भून लेंगे। तो पीसे हुए चने को भी ना थोड़ा हम भून लेंगे, तो इससे हमारा जो निमोना है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से भून रहे हैं, तो बराबर चलाते रहेंगे और इसकी पहचान है ना, जब ये चना भून जाएगा ना तो ये अपने आप जो है तली में चिपकेगा नहीं। तो जब चना भून जाता है ऐसे चना मटर जब भी हम इसका निमोना बनाते हैं, जब वो तली में इस तरह से देखिए नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि आपका सब्जी है वो भून गया है। देखिए बहुत तो देखिए इस तरह से ये भून गया है, तो मतलब अब इसमें मसाला डालने का टाइम आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाला, रखे हैं ये गया इसमें मसाला, थोड़ा सा पानी और डालेंगे नहीं तो हमारा मसाला पकेगा नहीं, ये तली में पकने लगेगा चने की।
तो मसाला इसमें हमने डाल दिए हैं, तो अब इसे ढक देते हैं और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और आँच बिल्कुल धीमा लगाएंगे ताकि जो है मसाला बढ़िया से पक जाए। तेज आँच रहेगा ना तो ये चिपक के जलने लगेगा, तो हम थोड़ा आँच कम कर देते हैं और धीमी आँच पर मसाले को पका लेते हैं। चलिए अब मसाला चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मसाला जो है बहुत बढ़िया से पक रहा था, क्या मसाला पक गया है। मैं इसे बीच बीच में चला दे रही थी, तो अब इसमें हम डालेंगे ना ये जो हमने हरे लहसुन और हरी धनिया को दरदरा पीस रखे हैं ये डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने 2 से 3 टमाटर पीस लिए थे ये डालते हैं और फिर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो लीजिए सारी चीज़ें तो हमने डाल दिए हैं, अब इसको ढकते हैं और एकदम उसे धीमी आँच पर इसे हम पका लेंगे टमाटर को, नहीं तो टमाटर का जो स्वाद है वो बढ़िया नहीं आएगा। और धीमी आँच पर अगर नहीं पकाएंगे तो ये चना है ना ये चिपकने लगेगा और जलने लगेगा। तो चलिए ढकते हैं, थोड़ा इसे पकने देते हैं। तो इसे ढक के एकदम से धीमी आँच पर थोड़ी देर हम पका लेते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप देख काफ़ी जो है गाढ़ा निमोना बनने वाला है, तो ये तली में देखिए पकड़ रहा है। तो अब इसे तो मैं ढकने वाली नहीं हूँ, अब बराबर चलाते रहेंगे। तो देखिए हम चलाते हुए इसको भून लिए हैं, माने टमाटर और नमक मसाला बढ़िया सा भून गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि इसे हमें खानी है चावल के साथ, तो थोड़ा ग्रेवी तो चाहिए ही। तो ये गया हमारा निमोना में पानी। तो भैया ये तो इतना जल्दी गाढ़ा होता है ना, ये जो चने वाला निमोना है ना ये बहुत जल्दी गाढ़ा होता है। तो इसमें ना तनी सी हम पानी और डालेंगे, इतना अभी हमारा निमोना पक के एकदम बढ़िया सा तैयार होगा। तो अब इसमें कुछ डालना है नहीं, हमारा बढ़िया से जो चीज़ें डालनी थी सब डाल दिए हैं, अब इसे केवल पकना है। तो चलिए इसको ढकते हैं और इसको पका लेते हैं, यानी जो पानी का कच्चापन हमें पकाना है। तो लीजिए हमने निमोना में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिए हैं, अब इसको ढकेंगे और थोड़ा पका लेंगे। चलिए तो दोस्तों देखिए हमारा निमोना बनके तैयार हो गया है। तो देखिए कितना बढ़िया जो है हमारा चने का निमोना बनके तैयार हो गया है। खेतों में बोने से लेकर तोड़ने से लेकर और बनाने तक ये सारा प्रोसेस कितना बढ़िया लगता है। तो घर का ताज़ा ताज़ा मेहनत के चने का निमोना चलिए निकालते हैं। तो मैंने चावल के साथ निमोना बनाए हैं,